श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, 24 जनवरी को तीज है, गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो चुकी है। पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा के गुप्त नवरात्रि के उपाय आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। पहले विस्तार पूर्वक विधिवत रूप से हम इस उपाय को समझेंगे, उसके बाद आप यह उपाय करिएगा। 24 घंटे के अंदर आपकी जो भी मनोकामना है वह पूर्ण होगी, अगर आप पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ यह उपाय करेंगे तो। चुपचाप आपको यह शांतिपूर्वक उपाय करना है, तो आइए लेते हैं पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा का 24 जनवरी तीज का गुप्त नवरात्रि तृतीय तिथि का यह उपाय। सबसे पूर्व आपको यह दो सामग्री लेनी है, कुछ हरे मूंग ले लीजिएगा, कुछ आपको लौंग लेने हैं, 3 से 4 लौंग ले लीजिएगा, और यह दो सामग्री एक शुद्ध लोटा जल लेकर किसी भी नज़दीकी शिव मंदिर में चले जाना है। प्रातःकाल उठकर आपको यह उपाय करना है, स्नान आदि करके किसी भी शिव मंदिर में यह सामग्री शुद्ध लोटा जल लेकर चले जाइएगा। शिव मंदिर में जाने के बाद आपको क्या करना होगा कि जो लौंग आप लेकर आए हैं उन्हें कुछ इस प्रकार से शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। जब आप लौंग अर्पित करें उससे पहले आपको अपनी मुट्ठी में, दाहिने हाथ की मुट्ठी में बंद कर लौंग अपनी मनोकामनाओं को बोलना है। अपनी मनोकामनाओं को बोलते हुए उसके बाद आपको यह लौंग जो है शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है, और जो अब आप हरे मूंग के दाने लेकर आए हैं उन्हें भी अपनी मुट्ठी में पहले बंद करके ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए अपनी मनोकामनाओं को 11 बार बोलते हुए आपको यह हरे मूंग शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देने हैं। यह सब करने के बाद विधिवत रूप से विस्तार पूर्वक शुद्ध लोटा जल जो अपने साथ लेकर आए हैं उसे लेकर शिवलिंग पर जल अर्पित करिएगा। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए आपको शिव जी को विधिवत रूप से विस्तार पूर्वक बिल्कुल पतली धार से जल अर्पित कर देना है। आपको यह उपाय प्रातःकाल स्नान आदि करके करना है। अगर पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ आप यह उपाय करेंगे तो आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी आपकी इच्छा है, वह जल्द से जल्द पूर्ण होगी। भोले बाबा की कृपा आप पर होगी। यह छोटा सा उपाय गुप्त नवरात्रि का पूज्य गुरु जी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने अपनी कथा के दौरान पिछले वर्ष बताया था। मैं उम्मीद करता हूँ आप यह उपाय अवश्य करेंगे। अगर आप इस उपाय से जुड़ी हुई और कुछ विशेष जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।